बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर है, आइए देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। कि ये आपको रैशनल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको आपने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, यानी इनको सिंप्लीफाई करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपने क्लास 8th में किए हुए हैं। ये देखें, 120 दिया गया है, को वैसे लिख दें, ये x की पावर यहाँ 2 है, इसके नीचे x की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर z की पावर 5 है, यहाँ z की पावर 2 है। हमने जैसे सेकंड चैप्टर में किया था कि अगर बेसिस सेम हूँ तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक ये जो पावर्स हैं ऊपर वाली पावर्स में से जाकर माइनस हो जाएंगी, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी, अगर माइनस है नीचे तो ऊपर जाकर प्लस। हम देखते हैं ये 2 है, ये 3 नीचे पॉजिटिव प्लस था तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये y है, उसकी पावर 3 थी, ये जो 1 है नीचे y की पावर 1, ये प्लस थी तो ऊपर जाकर माइनस हो गई। और ये z की पावर ऊपर 5 थी और नीचे वाली पावर 2, उसमें से जाकर माइनस हो गई। और ओवर जो है ये 30 उसी तरह। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 3 4 12 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 4। यहाँ पे देखिए प्लस का 2 माइनस का 3, तो माइनस की क्या पावर बचेगी, माइनस 1, और वाई कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, और जी की 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास बचा 3। अब हमें जो है आंसर पॉजिटिव पावर में चाहिए, यहाँ माइनस आ रहा है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये वाली जो वाई स्क्वेयर और जेड क्यूब ओवर ये एक्स की पावर नीचे जाकर प्लस 1 बन जाएगी। 1 हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, तो यही हमारी लोएस्ट फॉर्म है, यही हमारा आंसर है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जी, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। हम यहाँ लिखेंगे जी 8a, ठीक है जी, इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2, ये वाली जो वैल्यू दी गई है, इस एक्स स्क्वेयर को अगर मैं यूँ लिख दूँ, एक्स स्क्वेयर और माइनस 1 का स्क्वेयर, 1 की पावर आप जितनी भी डालें वो 1 ही रहेगा, लिखा जा सकता है। एक्चुअली हम इसको उस फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पहले स्टडी किया था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये होता है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ माइनस, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बिल्कुल अब ये एक्स जो है हमारा ए की तरह है, 1 जो है बी की तरह है, सो हम लिख सकते हैं जी 8a x प्लस 1 ओवर ये 2 वैसे के वैसे। अब इन दो वैल्यूज़ को x और 1 को एक दफ़ा प्लस दोनों को और एक दफ़ा माइनस इस फार्मूले के मुताबिक। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 4 8, तो बाकी क्या बच गया जी हमारे पास 4a, बाकी तो ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची, ओवर नीचे क्या बच गया जी डिनोमिनेटर में x माइनस 1, तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म आ गई, यानी हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली ऑन दिस पैटर्न ये थर्ड पार्ट है, बहुत आसान है, इसको भी देखें, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वेयर। इस फार्मूले को एक्सपेंड कर दें, हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि एक्स स्क्वेयर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर सेकेंड का प्लस 2xy, ऐसे इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे ना, ये माइनस 4xy वैसे का वैसे, अभी इसको ना छेड़ें, x माइनस y का स्क्वेयर वैसे रहने दें। अब ऊपर देखें जी आप, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये प्लस का 2xy, ये माइनस का 4xy, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2xy ओवर, अब ये x माइनस y का होल स्क्वेयर एक्सपेंड करें, क्या आ जाएगा जी, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, ये तो सेम वैल्यू होगी, जैसे ऊपर थी वैसे ही नीचे एक दूसरे से कट गई, तो हमारे पास क्या आंसर बचा जी 1। फोर्थ पार्ट में देखें जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस xy प्लस वाई स्क्वेयर, वेरी सिंपल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला हमने एक्सपेंड करना है, वो क्या होता है जी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये साथ वाली वैल्यू जो देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, इसको तो हम यूँ भी लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वेयर, इसको क्लोज फॉर्म में लिख दें,
ओवर एक्स माइनस वाई, ये वैसे की वैसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें, ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, बाकी क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज़ योर लोएस्ट फॉर्म। फिफ्थ पार्ट है जी, एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसको हमने रिड्यूस करना है जी। किस तरह करेंगे जी, देखें वेरी सिंपल, इस एक्स प्लस टू को वैसे का वैसे लिख दें, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख दें, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास ये फार्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी फॉर्म क्या बनती थी कि एक दफ़ा दोनों प्लस हो जाते थे और एक दफ़ा माइनस हो जाते थे, बिल्कुल उसी तरह इधर ओवर एक्स प्लस वन, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये जो फोर है इसको लिख सकते हैं हम टू का स्क्वायर। अभी हमारे पास वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। अगले स्टेप में हम इसको इन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इसी तरह इनको भी आप देखें जी, ये एक्स प्लस टू इन टू, ये एक्स ये माइनस वन, एक दफ़ा प्लस दोनों और एक दफ़ा ये माइनस हो गए, ओवर ये एक्स प्लस वन वैसे का वैसे, यहाँ पर भी देखें जी एक दफ़ा एक्स प्लस टू यानी एक दफ़ा दोनों को प्लस कर दिया इन दो टर्म्स को, और एक दफ़ा ये हम माइनस कर देंगे। अब देखिए इनमें से कोई वैल्यू कटती तो नहीं है, एक्स प्लस टू जो है कैंसिल हो गया एक्स प्लस टू से, एक्स प्लस वन जो है कैंसिल हो गया एक्स प्लस वन से, जो आपका बाकी बच गया वो आपकी लोएस्ट फॉर्म है, यानी एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू, दैट इज़ योर आंसर। सिमिलरली हमारे पास सिक्स पार्ट दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ओवर टू एक्स स्क्वायर माइनस एट, तो हम इसको जो है हमने फार्मूला पढ़ा था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एट क्लास में हम लिखा करते थे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले वाला, फिर ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल इसी फार्मूले के मुताबिक इसको हम सेट करेंगे ऊपर वाली वैल्यू। देखें हम इसको लिख सकते हैं ए ए का स्क्वायर माइनस ये टू फार्मूले वाला, ये वही ए आ गई इंटू बी, बी क्या होगा क्योंकि यहाँ पर ये फोर है इसका मतलब ये टू आएगा और ये टू का स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को आप सॉल्व करके देखें तो वही आनी चाहिए आपके पास, देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू टू दा फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, ओवर नीचे देखें दोनों में कुछ कॉमन है, टू कॉमन है जी, गुड, तो ये हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये कॉमन लेते। अब जिस तरह ये ए स्क्वायर था माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर था, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में यानी क्लोज फॉर्म में लिखा जा सकता था, इसी तरह अब इसको भी लिखा जा सकता है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ओवर टू इंटू, इनको लिखा जा सकता है ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिखा जा सकता है टू का स्क्वायर, ये वही सेम टू सेम ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास, एक्स माइनस टू एक्स की टू माइनस टू की टू यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। अब उसी फार्मूले के मुताबिक ऊपर वाली जो वैल्यू है एक्स माइनस टू ये पावर टू है, क्या हम इसको दो दफ़ा ऐसा लिख सकते हैं, देखें हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम यूँ भी लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स यानी पावर वन वन अलग अलग कर दें, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था हमने इसको दो दफ़ा लिख दिया, ऐसा क्यों किया, एक्चुअली नीचे जो आने वाली वैल्यू हम उससे उसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं। अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा दें, एक दफ़ा प्लस यानी एक्स प्लस टू और एक दफ़ा एक्स माइनस टू, आप देखें कोई वैल्यू कटती तो नहीं, ये एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट गया, बाकी जो बच गया वो आपका क्या है जी आंसर है जी, हम लिखेंगे एक्स माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू, दिस इज योर लोएस्ट फॉर्म। आप देखें ये सेवन्थ पार्ट है हमारे पास, 64x5 फाइव माइनस 64x, इन दोनों में क्या कॉमन है ऊपर वाली वैल्यूज़ में, 64 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बाकी क्या बचा इधर x की पावर 4, ये सारे का सारा बाहर चला गया तो 1 ओवर, ये इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन दो में क्या कॉमन है जी 2,
तो ये एक्स प्लस वन बच गया। अभी एक्स की पावर जो फोर है इसको हम उसी फार्मूले के मुताबिक जैसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर था उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे? अच्छा साथ साथ ज़रा ये भी सिंपलीफाई कर लें अगर होता है तो, यानी एट एट ज़ार 64 होता है और फोर टू ज़ार 8, यानी हमारे पास ये बच गया 4x इन टू, ये जो x की पावर 4 है अगर हम इसको यूँ लिख दें x की पावर 2 की 2 यानी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिखा जा सकता है। इसी तरह 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वेयर, ये तो बिल्कुल वही फार्मूला बनने जा रहा है ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इन टू एक्स प्लस 1। अब देखें क्या इसको लिखा जा सकता है 4x इन टू, अब ये इन दो वैल्यूज़ को एक्स स्क्वेयर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 फार्मूला बन गया। हम कहेंगे जी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इन टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इन टू एक्स प्लस 1। यहाँ देखें कोई वैल्यू कैंसिल आउट तो नहीं होती, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बचा जी? बाकी देखें जी हमारे पास ये 4x, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, इस वैल्यू को फिर लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जैसे इसको लिखा था, क्या एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एक्चुअली हमें ये डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 नज़र आ रहा है, हम चाह रहे हैं अगर वो मज़ीद रिड्यूस होकर एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा तो ओवर जो है ये एक्स प्लस 1, अब इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी, बाकी क्या बच गया जी 4x इन टू एक्स माइनस 1 दैट इज़ आवर रिड्यूस्ड फॉर्म, ये हमारा आंसर आ गया। आठवां क्वेश्चन है जी 9x स्क्वेयर, 9x स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं जी 3x का स्क्वेयर, इसको वैसे रहने दें माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का होल स्क्वेयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ज़रा गौर करें ये तो बिल्कुल वही शेप हमारे पास बनने जा रही है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक दफ़ा आप दोनों को प्लस कर दें एक दफ़ा माइनस कर दें। अब आप इस सारे को क्या समझें कि ये ए है और इस सारे को समझें क्या है ये बी है, इस सेंस में अगर आप करेंगे तो आपको आसान लगेगा। आप देखें इस फार्मूले के मुताबिक जो ए और बी है इन दोनों को एक दफ़ा ऐड करेंगे एक दफ़ा, देखें जी हम लिखते हैं जी 3x पहले ऐड कर लें जी प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ये देखें ये एक दफ़ा हमने प्लस कर दी दोनों वैल्यूज़, अब एक दफ़ा दोनों को क्या कर देंगे जी माइनस करेंगे तो ये ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस में भी तो हमने लगाई, ये देखें 3x प्लस दिस, एक दफ़ा दोनों को प्लस कर दिया फिर इस एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दिया ओवर ये 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब अगले स्टेप में ये 3x ये ब्रैकेट हटा दें प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इन टू ये 3x ये बाहर माइनस है अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे जी, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर, अब देखें ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसको हम वैसे लिख देंगे 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब एक्चुअली ये वही वैल्यू है जो ये वाली, सिर्फ रीअरेंज करना है इसको, ठीक है तो हम क्या करते हैं जी इसको भी आप अरेंज कर लें कि जी ये एक्स स्क्वेयर फिर प्लस 3x फिर माइनस 4, इस वैल्यू को इसके मुताबिक अरेंज करें इसके मुताबिक, यानी 4 पहले आप 4 पहले लिख लें फिर क्या था प्लस 3x है ना, इसका ये वाला प्लस 3x आप यहाँ लिख लें, वैसे तो डायरेक्ट भी काटी जा सकती है एंड में माइनस एक्स स्क्वेयर है तो आप माइनस एक्स स्क्वेयर कर दें ओवर वही वाली वैल्यू 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी ये यहाँ पर डायरेक्ट भी काटी जा सकती है ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सिमिलर करके काट दें तो ज़्यादा बेटर है, तो ये वाली वैल्यू इसे कटेगी। बाकी क्या बच गया जी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 दैट इज़ आंसर।